सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाकर और पिछले दरवाजे से, जो चोर दरवाजा कहलाता है, उससे राज कर रहे हैं बिहार में। तो चिराग जी तय करेंगे, अगर तय करते हैं आने के लिए तो स्वागत है, वेलकम है। और हमने पहले भी कहा था कि दोनों नौजवानों की ज़रूरत है इस बिहार में, और कंधे से कंधे मिलाकर इस बिहार की बेतरनी को पार करें। इस पार्टी को तोड़ना मुश्किल है और हमारी पार्टी अटूट है, इसी को तोड़ सकते हैं हम, टूट नहीं सकते। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार चला रही है, अब वहीं यूपी में चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अपनी कमर कस चुकी है। वहीं हम बात सीट की करें तो लगातार सभी पार्टियां अपनी सीटों को लेकर के खूब चर्चा में चल रही है। इस विषय पर विशेष बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं राजद के मुखर प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, और इनसे जानेंगे कि सर जेडीयू के सबसे कद्दावर नेता केसी त्यागी कह रहे हैं कि हम यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या अगर इस तरह की अगर रहेगी तो क्या ऐलान चल सकती है? सवाल है, ये तय करना है एनडीए के घटक दलों को, कौन कितना सीट पर लड़ता है ये तय करना उनके नेता का काम है। अभी फिलहाल चुनाव लड़े थे बंगाल में, कहीं भी जमानत नहीं बची, तो ऐसे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लोग लड़ाता है, लेकिन वो अलायंस में है, वो तय करेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जदयू का कहीं कोई बिहार में नहीं वजूद है रहेगा तो देश में कहाँ वजूद रहेगा, दूसरे राज्यों में कहाँ वजूद रहेगा। इसलिए बयानबाजी है, उनके पास पैसे हैं, बिहार का पैसा सब लूट कर लोग पार्टी चला रहे हैं, तो कहीं इन लोग का वोट भाट है नहीं। वोट न भाट अंग्रेजी बाजा। महागठबंधन की अगर बात करें तो यूपी चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारी है सर? देखिए, वहाँ महागठबंधन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे कि वहाँ हमारी पार्टी क्या करेगी, ये हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। और बीजेपी के खिलाफ में हमारा लड़ाई है, और बीजेपी के खिलाफ में जो भी सरकार बनाएगा, जो जीतने वाली पार्टियां हैं उसकी मदद हमारी पार्टी करेगी। यानी कि देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी की पार्टियां, पार्टी जिस तरह से सपोर्ट महागठबंधन को, क्या इस उसी तरह से आप लोग का भी सपोर्ट यूपी में रहेगा? मैंने कहा कि वो शीर्ष नेता तय करेंगे कि हमको आगे का रणनीति क्या करना है, यूपी में क्या करना है, ये हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। एनडीए की बात करें तो एनडीए में कई छोटे छोटे भी पार्टी है, उसमें जहां मुकेश सहनी भी आते हैं वीआईपी पार्टी के, वो 150 सीटों पर कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। उनको लड़ना है, ऐलान किए हैं, लड़े, जनता को वोट देना है, जिसका जहाँ वोट रहेगा उसको मिलेगा। जो यूपी की लड़ाई लड़ता है, जो यूपी की समस्याओं को रखता है, और यहाँ ये एनडीए में है, क्या वहाँ एनडीए से खिलाफत जाएंगे ये तो समय बताएगा। एक मेरा सवाल है कि जिस तरह से भाजपा को छोड़ करके बिहारी बाबू जो फिल्म अभिनेता हैं, काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं, बीजेपी से छोड़ करके कांग्रेस में वो ज्वाइन किए हैं, लेकिन अब इधर वो गाना मोदी का गा रहे हैं कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार मोदी से किसी को इतना दुख क्यों है। सवाल है कि इसका जवाब खुद पार्टी कांग्रेस देगी, इसका जवाब देना हमारा उचित नहीं है, और इस पर बिहारी बाबू ही जवाब देंगे कि आखिर वो बयान जो दिए हैं किस कदर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और क्या उनका सोच है आगे की रणनीति। सब कुछ ठीक ठाक है महागठबंधन में? महागठबंधन में सारा कुछ ठीक ठाक है, कहीं कुछ नहीं है। प्रयास नीतीश कुमार जी करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाता है, और न आगे सफल होगा। अब आरजेडी का क्या कुछ रणनीति है आगे का, किस तरह का राजनीति बिहार में कर रहे हैं आप लोग? यहाँ सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी जी, और आरजेडी सरकार के कमियों की खामियों को उजागर हमेशा करती रही है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जी। और हम सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाकर और पिछले दरवाजे से, जो चोर दरवाजा कहलाता है, उससे राज कर रहे हैं बिहार में। बिहार की जनता त्राहिमाम है, और बिहार की जनता तुरंत चाहती है इनसे निजात पाना। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। तेजस्वी जी रामविलास पासवान जी का जयंती मनाने वाले हैं, क्या निश्चित रूप से
और उन्होंने कहा ये भी है, लोगों ने सवाल किया कि आप चिराग जी को ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चिराग जी को तय करना है कि संविधान बचाने वालों के साथ है या संविधान जलाने वाले के साथ है, छेड़छाड़ करने वाले के साथ है, तय उनको करना है। तो चिराग जी तय करेंगे, अगर तय करते हैं आने के लिए तो स्वागत है, वेलकम है। और हमने पहले भी कहा था कि दोनों नौजवानों की ज़रूरत है इस बिहार में, और कंधे से कंधे मिलाकर इस बिहार की बेतरनी को पार करें, ताकि संकट की स्थिति में बिहार है, फंसा हुआ है, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के लोग बिहार का शोषण दोहन कर रहे हैं, बिहार के हक हुकूक को खा रहे हैं, सारा पैसे को खा रहे हैं और विदेशों में लगवा रहे हैं, सिंगापुर से लेकर और मॉरिशस तक पैसा यहाँ का लग रहा है। इसलिए इससे निजात जनता बात जानना चाहती है, इसलिए ज़रूरत है दोनों आदमी को एक साथ होना। यदि और बीजेपी के कदावर नेता कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है जो नाराज चल रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? आप जानती हैं कि आरजेडी कभी टूटा नहीं है, और आरजेडी आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचारों से चलती है, और हर विधायक लालू यादव के विचारों से लैस है। इस पार्टी को तोड़ना मुश्किल है, और हमारी पार्टी अटूट है, किसी को तोड़ सकते हैं हम, टूट नहीं सकते। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुखर प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। उन्होंने साफ तौर से यूपी चुनाव को लेकर के ऐलान कर दिया है कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी की पार्टी जो हमें मदद की है, तो ये शीर्ष नेता तय करेंगे कि हमारी पार्टी किस को सपोर्ट करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इनको बातों में ही ये चीज़ जाहिर हो चुका है कि कहीं ना कहीं अब यूपी में जो बीजेपी के अगेंस्ट पार्टियां हैं, यानी कि सपा हैं, उनको ये लोग फुल सपोर्ट करने वाले हैं। इस खबर बस इतना ही, देखते रहिए निश्चित निशा, नमस्कार।